नमस्कार, मैं हूँ आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। भारत में आज शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। प्रधानमंत्री ने किया औपचारिक इनॉग्रेशन और बताया कि कोरोना वैक्सीन की दो डोज लगनी बहुत जरूरी है। दोनों डोज के बीच लगभग एक महीने का अंतराल भी रखा जाएगा और याद रखें कि दूसरी डोज लगने के बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। साथ ही देश को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय निकायों और हर सरकारी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं में एक संकल्प के साथ कोरोना के विरुद्ध काम करके दिखाया है। दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी में भी भारत अग्रणी देशों में एक रहा है। आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन का डोज दिया जा रहा है। कोविन ऐप के द्वारा पल पल की वैक्सीनेशन की अपडेट दी जा रही है। इस वैक्सीनेशन में 3000 से अधिक केंद्रों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। हर केंद्र में लगभग 100 लाभार्थियों को टीका लगाने का उद्देश्य है। मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू हुए ऐतिहासिक टीकाकरण से भारत कई नए मुकाम हासिल करने के लिए तत्पर है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन भारत द्वारा निर्मित एक इंडिजीनियस वैक्सीन है जो भारत बायोटेक द्वारा इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाई गई है। वहीं कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण भी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। और आज सभी लोग इन सभी भ्रांतियों से दूर रहे कि विदेशी दवाई ज्यादा अच्छी होती है। और हाँ, आप इस बात को लेकर भी सतर्क रहें कि पहली वैक्सीन की डोज लेने के बाद आप सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि ऑप्टिमम इम्यूनिटी द्वारा दूसरी डोज लगाने के बाद ही विकसित होती है। जिस तरह से कोरोना के नए दो वेरिएंट सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से कम एक साल भर तक हमें अभी के जैसे सतर्क रहने की जरूरत है। आज ही कोरोना का नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। तो देखते रहिए प्राइम न्यूज 24 और बने रहिए हमारे साथ।